नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आपका स्वागत है एस के एयर कूल के एक और खास एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक रेफ्रिजरेशन। प्रारंभिक रेफ्रिजरेशन क्या है, इसका इतिहास और इसके परिचय के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए देखते रहिए एस के एयर कूल को। कृत्रिम विधि से खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने की प्रक्रिया को ही रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो चलिए अब इसके थोड़े इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले रोमन, ग्रीक और यूनानी निवासियों ने रेफ्रिजरेशन शब्द को अपनाया था। उन्होंने शब्द को उत्पत्ति दी। वे लोग पानी और शराब को रंधमय वस्तु के बर्तनों में ठंडा करते थे। खाद्य पदार्थों की इन बर्तनों को रखकर कुछ समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। पदार्थों को भूमि के अंदर ठंडे वातावरण में रखा जाता था। इसी के द्वारा ही रेफ्रिजरेटर का आविष्कार सन 1834 में वैज्ञानिक जे परकिंस ने इंग्लैंड में किया था। थैंक यू।